हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम यहाँ से घर से निकल रहे हैं काम के लिए और रश्मि आज गुस्सा खड़ी हुई है क्योंकि वीडियो बनाते नहीं, तो मैंने कहा चलो आज से वीडियो की जो है शुरुआत कर रहे हैं। इधर पे आर्स अपना जो है इधर प्रोग्राम चलने में लगा हुआ है और अभी मैं निकल रहा हूँ काम के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगा है ना, वीडियो नहीं बनाते हैं ऐसा है ना। चलो और हम सोचा अभी से इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पे। आज ये वीडियो जो है जहाँ जहाँ जाएंगे या फिर जो जो देखने को मिलेगा तो आप लोगों को भी दिखाते हुए चलेंगे। और वीडियो को भी लगे कि नहीं क्या लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और काफ़ी दिनों के बाद फिर से जो है आज ये वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। और आज सोमवार है ना, अब वो सावन चल रहा है, पहला है दूसरा पता नहीं, लेकिन आज सोमवार है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे लोकेशन पे पहुंचने के बाद। तो घर से तो मैं जल्दी निकल आया था, लेकिन क्या हुआ अभी यहाँ पे आके पोपट हो गया है। अभी क्या है कि मैंने गिग्स जो है वो 2 बजे से बुक कर रखी थी। वैसे मैं डेली जो है 1 बजे से बुक करता हूँ, लेकिन याद ही नहीं था कि मैंने आज जो है गिग्स 2 बजे से बुक की है। आज ही की सिर्फ गिग्स जो है 2 बजे की से बुक थी और अभी आके यहाँ पे मैंने जो है ऑन किया तो उसमें जो है बॉडी नहीं हो रही थी। हमने चेक किया गिग्स जाके तो 2 बजे से बुक थी। तो अभी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या करते हैं, चलो चलते हैं कहीं पे, आप लोगों को घुमाते हैं चल के। और पास में तो ऐसे कोई जगह है नहीं, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पड़ जाएगा परमठ बाबा आनंदेश्वर मंदिर, तो उधर के लिए मैं निकलता हूँ और चलते हैं और मिलते हैं आपसे। अगर देखो जाएंगे उधर पे तो ठीक है, अगर बस अदरवाइज जो है दोस्त वगैरह मिल जाएंगे कोई तो उधर पे बैठ के थोड़ी बहुत बातें होंगी। ऐसे ही जो है टाइम व्यतीत करना पड़ेगा। अभी क्या है 45 मिनट तक ऐसे ही हम लोगों को बैठना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट पहले ही हमारी जो है आईडी ऑन हो पाएगी 2 बजे के। तो अभी 1 बजा हुआ है तो चलते हैं और क्या करते हैं। अभी 1 घंटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर पे भी वापस जाके क्या फ़ायदा है, फिर आना पड़ेगा तो टाइम बर्बाद हो ही जाएगा। वैसे भी 15 मिनट लगते हैं जाने आने में, तो 30 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा हमारा, पाँच 10 मिनट के लिए क्या घर जाए। अभी हम जेके टेम्पल वाली रोड पे आ चुके हैं, यहीं पे खड़े हुए हैं और यहीं पे अपना टाइम जो है वो व्यतीत करने वाले हैं। परमठ अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं, उधर का ऑर्डर लगता ही है वैसे भी, तो जब ऑर्डर लगेगा उधर तो आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसा क्या है। और मैंने अभी गूगल मैप पर चेक किया, भीड़ वगैरह तो उतनी ज़्यादा नहीं है, रात में भीड़ काफ़ी थी क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सुबह जल्दी जल्दी जाते हैं, लगभग 3 बजे 4 बजे इस टाइम अगर आप जाते हो तो इतनी भीड़ रहती है कुछ कहने को नहीं। और बाहर से भी लोग आते हैं, तो चल अगर देखते हैं ऑर्डर वगैरह लगेगा तो उधर आप लोग चलेंगे और बाबा के दर्शन करा देंगे चल के। बाकी अभी तो फिलहाल मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, आईडी वगैरह भी चालू करनी है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है, ऑर्डर उधर पर लेके जाना ही है, इसलिए मैंने सोचा 8 किलोमीटर फालतू में जाएंगे। और वैसे भी उधर पे आना जाना रहता ही है, डेली 2-3 चक्कर लगते ही है, तो जब जाएंगे तो उधर आप लोगों को दिखा देंगे चल के। फिलहाल अपनी आईडी जो है वो मैंने चालू कर दी थी और 1:45 बजे ही चालू कर दी थी, मतलब 1:50 पे ही चालू कर दी थी। फिलहाल ऑर्डर जो है हमारा पहला लग गया है और अभी टाइम 2 बज रहा है, तो हवेली से ही ऑर्डर लगा हुआ है 3 किलोमीटर का 30 रुपये। तो चलो लेते हैं चल के ऑर्डर और फिर निकलते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो भाई अभी का माहौल कुछ ऐसा है, भाई सब धूप रखी है और माहौल ऐसा है कि बादल आ रहा है फिर धूप हो रही है, मतलब कुछ बीमारी का घर है। और अभी ये कॉलेज है यहाँ पे मरियम स्कूल, अभी छुट्टी हुई है और ये इधर पे हवेली पे आ चुके हैं, बट ऑर्डर अभी रेडी नहीं है इसलिए यहाँ पे खड़े हुए। तो फिलहाल वो अपना पहला ऑर्डर ले आए हैं, ऑर्डर को लेकर चल गोभी में, गोभी नगर ऑर्डर जो करना है, मतलब ऐसा ही है जो है गोभी नगर के किनारे ही करना है चल के। और नगर जाना मुझे नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर और भी ट्रैफिक है, फिर उधर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऑर्डर लेके चलो तो चलना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं पीछे जो है ऑर्डर दे के आया हूँ और अभी मैं खड़ा हूँ साकेत नगर वाली रोड पे, गोविंद नगर पे जहाँ पे है। तो फिलहाल अभी मैं इधर से ऑर्डर दे के आ रहा हूँ और ये साकेत नगर वाली रोड है, इधर पे नंदलाल चौराहा और जो चावला चौराहा है, बाकी इधर पे जाओगे तो साकेत नगर पड़ता है। और अभी क्या करते हैं, निकलते हैं यहाँ से हम वापस से अपने एरिया पे क्योंकि इधर पे ऑर्डर लगने वाले हैं नहीं। आज पूरे दिन में 3 से 4 बार ऐसा हो चुका कि बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, धूप निकल रही है, भाई सब दिमाग ख़राब हो गया। अभी फिर से देखो एकदम काला कालापन हो गया है और बारिश फिर से आने की संभावना है। रेनकोट लगता है निकालना पड़ेगा, पहले रेनकोट क्योंकि घटा काफ़ी तेज़ है और काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है, इसकी वजह से वीडियो भी रिकॉर्ड बीच बीच में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल अभी हम हैं अब मोती झील के बिल्कुल पास में, ये इधर पे चौक आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, तो ये जो चौक है ये वाला,
अमर जवान चौक, और इधर पे है कोका कोला चौराहा। ये पीछे पे है, फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या करें, आपको थोड़ा मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, बारिश फिलहाल शुरू हो गई है और ऑर्डर मैंने लेकर बैग के अंदर रख दिया है। बारिश शुरू हो गई, मैंने रेनकोट भी जाके पहन लिया है और अभी भारी है इस मोबाइल को जो है इसको भी पैक करने की, जो कि मैं अभी इस कवर पे पैक करूँगा, जो कि मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर आते हैं उस पर। और ये कुछ इस तरह से माहौल है, बारिश जो है शुरू हो चुकी है और मैं अपने आप को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से जो है पहन लिया है रेनकोट वगैरह और मोबाइल फटाफट से पैक कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ। लाला भी घर पर बैठे हुए हैं और नहा वगैरह चुके हैं, हर्ष को भी नहला दिया था आज, और बाकी रश्मि भी बैठी हुई है, खाना पीना भी हो गया है। फिल्टर नहीं लगाया है? फिल्टर थोड़ी ना लगाते, ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, है ना, ताकि पता चल जाए, सबको दिख जाए कि हाँ तुम बहुत काली हो। चलो, और अभी क्या करते हैं, आप लोगों को मैं जो है कल का बता देता हूँ कि कल क्या हुआ था। ऐसा हुआ सीन कि जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, बारिश हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, फिर होने लगती थी, फिर बंद हो रही थी, तो ऐसे ऐसे करके फिर जो है रात में वीडियो बना नहीं पाया। और चलो सीधे आप लोगों को दिखाते हैं कि काम वगैरह कैसा हुआ है, ताकि आप लोग अगर देखते हो तो पता चल जाए कि भाई साहब कैसा क्या चल रहा है। अभी बरसात चल रही है, थोड़ा इंसेंटिव वगैरह बन जाता है, टिप वगैरह भी थोड़ी बहुत मिल जाती, तो इस हिसाब से थोड़ा वो है, सही हो जाता है। बाकी तो सब नॉर्मली चल रहा है, उतना अच्छा जो है पे आउट भी नहीं मिल रहा है, बट पेट्रोल इस समय ज़्यादा लग रहा है, ये एक बात है। बाकी आप लोगों को चलो चलते हैं ऐप पे, दिखाते हैं कि कैसा क्या काम हुआ है। अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर हम चलें कल का, तो कल थी 10 तारीख, तो 10 तारीख का जो है हम देखते हैं, आज 11 तारीख है, तो 10 तारीख का जो है ये कुछ इस तरह से पूरा लिख के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो टोटल जो है 16 ट्रिप हुई हैं और 18 ऑर्डर, जिसमें से 2 मल्टी ऑर्डर लगे हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ये ऑर्डर लास्ट वाला लगा हुआ है मल्टी पिज्जा क्यों का, और एक ये लगा हुआ है 10 बजे, जो कि बीकानेर और KFC से लगा हुआ था। बाकी जो है सारे ऑर्डर सिंगल ऑर्डर लगे हुए हैं, तो टोटल जो है काम किया है हमने 10 घंटे से ऊपर का काम किया है, और जो कमाई आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 884 रुपये, जिसमें से 818 रुपये जो है ऑर्डर अर्निंग है हमारी, और इसके बाद 50 रुपये कस्टमर टिप, सर्च पे जो है 30 रुपये, और 3 किक्स मैंने जो है कैंसिल कर दी, इसकी वजह से 15 रुपये ये माइनस दिख रहा है, नहीं तो पूरा जो है 900 रुपये का काम हुआ था। तो टोटल ये कल का जो है इस तरह से पूरा आप देख सकते हो, ये जो है 900 रुपये का काम हुआ है, और कल इंसेंटिव भी था 110 रुपये का, तो वो भी आप जोड़ लीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कल था 10 तारीख, तो 10 तारीख का ये इंसेंटिव था, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये कुछ इस तरह से इंसेंटिव था 10 तारीख का, जो कि 100 रुपये का था, सॉरी 110 मैंने बोल दिया आपको, लेकिन 100 रुपये का था। तो टोटल जो है 1000 रुपये का काम हो गया, और उसमें से करीब 250 या 300 का करीब पेट्रोल मेरा लग गया होगा। तो फिलहाल अभी 1 बज चुका है और टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का, तो फटाफट से जो है सारा कुछ मैंने बैग वगैरह में रख दिया है, पावर बैंक वगैरह, पानी की बोतल अभी रखना बाकी है। बाकी एक छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया, बारिश आ रही थोड़ी, तो उसमें जो है कुछ ज़्यादा वो हो नहीं पाता, और जैसा कि परमट की जो हो रहा था, परमट की तरफ कल मेरा ऑर्डर पता नहीं क्यों नहीं लगा है, तो इधर पे भी एक तरह जाजमऊ की तरफ भेज दिया था, तो उधर पे पूरा टाइम निकल गया। बाकी ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर लीजिए, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान, ख्याल रखिएगा।